वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। कहते हैं कि दो लोगों के बीच में रिश्ता कोई भी हो, लेकिन अगर उस रिश्ते में विश्वास ना हो तो उस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं होती है। लेकिन अगर वो रिश्ता पति पत्नी का हो तो दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि किसी भी रिश्ते में विश्वास की डोर कच्ची ही होती है और उसे साधे रखना और चलते रहना बेहद मुश्किल होता है। एक दूसरे का साथ देना और एक दूसरे के बारे में सोचना, इज्जत करना बेहद जरूरी है। लेकिन क्या हो अगर ऐसे रिश्ते में ये सब कुछ खत्म हो जाए और एक इंसान के दिमाग की उपज रिश्ते को खराब कर दे। इंसान ना समझ हो तो उसके बारे में कोई सोचना भी नहीं चाहता, लेकिन अगर समझदार पढ़ा लिखा इंसान ऐसा कुछ करे तो हैरानी होती है। लेकिन क्या करें, किसी की सोच के परे जाकर तो देख ही नहीं सकते। अब ऐसा मामला सुनिए जिसमें कुछ यही सब देखने को मिला। दरअसल इंदौर में पति पत्नी के विवाद का एक हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है। पति ने इंदौर में रहकर पीएससी तैयारी कर रही पत्नी को बदनाम करने के लिए उसकी फेसबुक आईडी हैक कर ली, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की साइबर सेल में महिला ने शिकायत की। जांच पूरी होने के बाद भवरकुआ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। जांच में पता चला कि आईडी हैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि महिला का पति ओम प्रकाश बिडारे है। ओम प्रकाश अपनी पत्नी की आईडी हैक कर उसकी पर्सनल जानकारी निकालकर उसे बदनाम करना चाह रहा था। आपको बता दें, महिला ने अपने पति के खिलाफ पहले भी मारपीट का मामला दर्ज करवाया था। ओम प्रकाश वन विभाग में एसडीओ के पद पर पदस्थ है। ओम प्रकाश का अपनी पत्नी के साथ तलाक का मामला भी चल रहा है। ये एक आवेदिका है सारी का, इनके पति का नाम है ओम प्रकाश बिडाले, मूलतः ये बड़वानी की रहने वाली है, अभी भवरपुर क्षेत्र में निवास कर रही है। इनके द्वारा साइबर में हेल्पलाइन में एक शिकायत की गई थी कि उनकी फेसबुक आईडी को किसी के द्वारा हैक किया कर लिया गया है और उसका उपयोग किया जा रहा है। साइबर शाखा इंदौर द्वारा इसकी जांच की गई। जांच में ये पाया गया कि उसकी फेसबुक आईडी उनके पति ओम प्रकाश बिडारे द्वारा उपयोग किया जा रहा था। जांच में ओम प्रकाश के जानकारी मिली कि विवाह विच्छेद का मामला सारिका और उसके पति ओम प्रकाश के बीच चल रहा था। इस बात को लेकर के ही परेशान करने की नीयत से उसके द्वारा सारिका की फेसबुक आईडी का उपयोग किया गया है। ये 66A IT Act के तहत 66C के तहत आईटी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध होकर के योजना की जा रही है, अभी इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज के सोशल मीडिया के युग में हैकिंग का खेल खूब बढ़ गया है, इसलिए यही वजह है कि सरकार ने तकनीकी संबंधी अपराधों को रोक लगाने के लिए साल 2000 में आईटी एक्ट बनाया था। इसमें हैकिंग समेत सभी साइबर क्राइम से निपटने के प्रावधान किए गए हैं। आईटी एक्ट की धारा 43 और धारा 66 के तहत सिविल और क्रिमिनल मामले कवर किए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी भी के बिना इजाजत के उसके कंप्यूटर के डेटा को लाता है या डेटा डैमेज करता है तो उस पर आईटी एक्ट के तहत दोषी को 3 साल की जेल या 5 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज।